नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं लौकी का खीर। उसके लिए हमने यहाँ पे लौकी ले लिया है और इसको हमने कद्दूकस कर लिया था और थोड़ा इसका पानी निकाल लिया है निचोड़ के। और हमने यहाँ पे चीनी लिया हुआ है और थोड़े से किशमिश, थोड़े से बादाम और थोड़े काजू, और यहाँ पे मैंने नारियल लिया था जो कद्दूकस कर लिया है। और इधर मैं दूध ले ली हूँ, ये आधा लीटर या तो 1.5 लीटर, 1 लीटर के करीब होगा। और यहाँ पे मैंने दूध में थोड़े 8-10 धागे केसर के डाले हुए हैं, उससे कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ कढ़ाही रखती हूँ गरम होने के लिए। अब मैं कढ़ाही में डालूंगी देसी घी लौकी को भूनने के लिए। गरम हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं अपने लौकी को। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। धीमी आंच पे इसको भूनेंगे, तेज आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा। उसके लिए हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा लौकी जो है वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इधर मेरा दूध भी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं अपने लौकी को और इसको चला देते हैं। इसको हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे और इसको हर 1 से 1.5 या 2 मिनट के बाद इसको आप चलाते रहें ताकि ये तली में दूध बैठे ना। दूध बहुत जल्दी तली में बैठता है, इसलिए आप ध्यान देते रहें कि ये तली में ना बैठ पाए। तो इसको हम 2-3 मिनट पे चलाते रहेंगे और बीच बीच में फिर इसको हम पकने देते हैं। कम से कम ये 10 से 15 मिनट में पक जाएगा, तो इसको हम पकाते हैं 10 मिनट तक। मेरा आप देख सकते हैं इसको पकते हुए 10 मिनट तक हो गए हैं और ये हो गया है। अभी थोड़ा कसर है इसमें, तो इसमें हम डालते हैं चीनी और जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हुए हैं उसको डाल देते हैं। तो इसमें मैं डालती हूँ चीनी। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हो उतना आप डाल सकते हैं। इसमें हम डालते हैं जो ये दूध में हमने केसर डाल रखा था, आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ इसको भी। अब हम इसमें डालते हैं अपने कटे हुए बादाम को और काजू जो हमने छोटे छोटे काट लिए हैं, और ये थोड़े से नारियल हमने कद्दूकस कर लिया था, इसको भी मैं डाल देती हूँ। और थोड़े से किशमिश, इसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। मैंने अपने सारे चीज़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम इसको चला देंगे और चला के इसको हम धीमी आंच पे ही मतलब 2 से 3 मिनट तक इसको हम पकने देंगे ताकि इसमें चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको उबलते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे पक के इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये पक के एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा लौकी का खीर बिल्कुल सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करें दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। तो आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें एक बार लौकी का खीर और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।